बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिर्फ दो आलू और ब्रेड के साथ बहुत ही खूबसूरत और क्रिस्पी रेसिपी देने लगी हूँ। इसमें कोई अंडे का इस्तेमाल नहीं होगा और ना ही बेसन का इस्तेमाल होगा। इसके लिए दो आलू पहले से मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं। ये गाजर है, बिल्कुल बारीक चॉप की हुई है, ये ऐड करने लगी हूँ। एक अदद प्याज है, ये ऐड करने लगी हूँ। हरा धनिया ऐड करने लगी हूँ। सब्ज मिर्चा ये ऐड करने लगी हूँ। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। आधा टीस्पून नमक ऐड करने लगी हूँ। आधा टीस्पून सुरख मिर्च ऐड करने लगी हूँ। आधा टीस्पून हल्दी ऐड करने लगी हूँ। पिसा हुआ खुश्क धनिया ऐड करने लगी हूँ आधा टीस्पून, और ज़ीरा आधा टीस्पून। आधा टीस्पून काली मिर्च इसमें ऐड करने लगी हूँ। अब हाथों से अच्छी तरह इसे मिक्स करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हमने लेना है आधा कप मैदा, दो टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, और साथ ही इसमें आधा टीस्पून नमक ऐड करेंगे, आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स, आधा टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे, साबुत ज़ीरा, दो चुटकी इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। अब खूबसूरती के लिए इसके अंदर हरा धनिया ऐड करने लगी हूँ, इससे इसकी लुक बहुत प्यारी आएगी। सब्ज मिर्ची ऐड करने लगी हूँ। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मिक्स करना है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। इसको मैंने मिक्स कर लिया है जिस तरह का हमें चाहिए, वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। ये ब्रेड है मेरे पास, इनको आपने काट लेना है। आप कोई भी चीज़ ले लें, ग्लास ले लें, चाहे कोई भी चीज़ ले लें। इस तरह आपने खूबसूरती से काट लेना है।
ब्रेड की कटिंग मैंने कर ली है। अब ये जो मसाला है इसके बॉल बना लेंगे, खूबसूरत से इसके बॉल बनाने हैं। मसाले के बॉल मैंने बना लिए, अब इनको ब्रेड के ऊपर रख के ऐसे करके दबा देंगे इनको, ऐसे करके सही कर लेंगे। इन सबको आपने ऐसे ही करना है, ब्रेड के ऊपर रख लिया, अब दूसरा पीस ऊपर रखेंगे ऐसे इनको दबा के। अब हमारा गरम हो चुका है, अब ये जो बैटर हमने तैयार किया है इनको इसमें डिप कर लेंगे। ऐसे इसमें रखते जाएंगे, जब आपको लगे कि इनका कलर हल्का रेड हो चुका है तो आपने निकाल लेने हैं। इनका बहुत प्यारा कलर आ चुका है, अब मैं इन्हें निकालने लगी हूँ। माशा अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आलू और ब्रेड से स्नैक्स हमारे तैयार हैं। प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।